वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले समय में आपके लिए एक ऐसी जानकारी मिल सके जिससे आप बच सकें, यानी कि जैसी ब्लैकमेलिंग या फ्रॉड या किसी ऐसी ठगी जैसी चीज़ों से, जिससे कि आप किसी प्रकार की उन चीज़ों में ना फंसें। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो बहरहाल आज मैं बात करता हूँ एक छोटी सी ब्लैकमेलिंग, तो मतलब जो कॉमन चीज़ बताता हूँ मैं, उससे ना उससे हटकर कोई एक अलग, मतलब कि ये जो आज का जो आज की जो वीडियो है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें नेपाल से कॉल किया था और उन्होंने बताया था, यानि कि ये फीमेल हैं, उन्होंने बताया कि हम दोनों एक आपस में मतलब 3 साल से रिलेशनशिप में थे, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड था वो, और हम मतलब एक दूसरे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। और करने के बाद हमारे दोनों बीच में फिज़िकल हुआ और फिज़िकल होने के बाद कुछ किसी कारणवश हम दोनों में विवाद हो गया। और जो मतलब उसके पास वीडियो थी, क्लिप थी और फोटोज़ वगैरह थी, उसने मेरी जो एक वीडियो थी उसमें से ही उसने एक सोशल प्लेटफॉर्म पर, जो कि मतलब एक नेपाल की कोई साइट है, उस पर उसने डाल दी है। तो आप सर बताइए मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं इस चीज़ से निकल सकती हूं। तो इन्होंने ये मुझे जानकारी दी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जानकारी को मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति अगर मेरी वीडियो जो है, पता नहीं कौन देख रहा है, कोई लड़का भी देख रहा है, कोई लड़की भी देख रही है और बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह, मतलब कोई भी एज का कोई भी देख रहा है, तो अगर उनमें से किसी एक को भी अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर काम आती है और वो किसी न किसी ऐसी चीज़ों में से फंसने से बच जाते हैं, तो बेहतर होगा मेरा इस वीडियो को बनाना, और जो जो कि मेरी ये मेहनत है ये भी पूरी हो जाएगी अगर वो व्यक्ति इन चीज़ों में से बच जाता किसी प्रकार से। तो बहरहाल अब मैं आप बताता हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या है, किस तरीके से आप लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। आज के समय में ये ट्रेंड है, यानी कि देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना कोई बात बड़ी बात नहीं है, कॉमन सी चीज़ है, लेकिन ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है वो इतना हद तक पहुंच जाता है कि आने वाले समय में वही चीज़ें जो आपने करी हैं या कर चुकी हैं या करने वाले की सोच रही हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको एक समय ऐसा आ सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली टॉर्चर से आपको गुजरना पड़ सकता है। और जो आज आपने किया है, यानी कि आपने हो सकता है किसी के साथ में कुछ ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह आपने मतलब क्रिएट कर ली हों, और उसके बाद क्योंकि आज का आप आज प्यार में हैं, ठीक है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी अपने मतलब ख़िलाफ़ या ऐसी चीज़ें मत बनाओ जो कि आने वाले समय में वो आपको सरदर्द बन जाए और आप उसी चीज़ के वजह से कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर सके। तो अब मैं इसी चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ से जागरूक हों। तो इनके साथ में हुआ ये, बता रहे थे कि इन्होंने काफ़ी दिनों से मतलब एक दूसरे के साथ डेट किया, बातें की और बहुत मतलब ट्रस्ट था। किसी दिन ये किसी होटल वगैरह में गए, वहाँ पर इन दोनों में फिज़िकल हुआ और उसी दौरान एक वीडियो भी बना ली गई। और उस वीडियो को बनाने के बाद फिर मतलब कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद इन दोनों में अनबन हो गई और परेशानी, मतलब ये जो रिलेशन था, जो इन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो रिलेशन था, वो ट्रस्ट, वो प्यार, वो सब कुछ ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। और जब ख़त्म होने लगा तो फिर वो पुरानी चीज़ें जो इनके आपस में मतलब जो बनाई गई थी, उनको उस ब्लैकमेलर क्या बताएं, उनका बॉयफ्रेंड ही था वो, और उसके द्वारा ये चीज़ें उठाई गई, उससे धमकी दी गई कि अगर तुम नहीं आओगी मेरे पास, नहीं बात करोगे, तो मैं इस चीज़ों को ब्लैक इनको आपको अपलोड कर दूंगा। और फाइनली मतलब जब धमकी दी गई और उसने नहीं माना, तो फिर फाइनली उसको अपलोड भी कर दिया गया। अब ये चीज़ें पब्लिक होती हैं तो फिर देखो शर्मिंदगी तो होती है, गलती का भी एहसास होता है अपनी, तो इससे पहले जो गलती का एहसास आपको बाद में हो करने के बाद, उससे पहले ही क्यों नहीं, यानी कि उन सब चीज़ों को आप पहले से ही क्यों नहीं रोक सकते हैं। तो बेहतर है कि आप कहीं ना कहीं पहले से ही रोकें इस चीज़ के लिए, ताकि आप आने वाले टाइम में किसी भी ऐसी चीज़ का शिकार ना बने। अब जो लड़का है, जो बॉयफ्रेंड है इनका, वो फिज़िकल की नीड करता है इनसे और इनसे ब्लैकमेलिंग करता है, इनसे इनको मतलब उन चीज़ों में बार बार कहता है कि मैं तेरी वीडियो यहाँ पर डाल दूंगा और अब और भी डाल दूंगा, अगर ये एक ही जगह डाली है, अभी मैं कई जगह डाल दूंगा, फेमस कर दूंगा तुमको और सब जगह बताऊंगा ऐसी चीज़ है, गंदी है, ये बहुत सारी चीज़ें इनको बोला गया। और इस दौरान परेशान जब इंसान हो जाता है, बता रहे थे कि मैं बहुत दिन से मतलब
इसका टॉर्चरनेस झेल रही हूँ और परेशानी इतनी है कि मैं बयान नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती इन वर्ड्स। तो इसीलिए मैं सर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करें। तो देखिए कानून यहाँ पर अप्लाई ज़रूर होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है उसको ब्रेक किया गया है। और लेकिन यहाँ पर यह भी है कि सहमति भी है, मतलब कि कंसेंट भी है। तो कंसेंट के आधार पर आप कुछ भी करते हैं तो लीगल है, यानी कि आप दोनों बालिक हैं और आप दोनों की कंसेंट है, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बाद में अगर इसी चीज़ को आप मुद्दा बनाते हैं तो फिर नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोर्ट भी ये मानती है कि विद द कंसेंट आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसमें लड़की की कंसेंट ना होती और लड़का ज़बरदस्ती करता तो डेफिनेटली इट बिकम्स रेप कैटेगरी में आता। और उस चीज़ के लिए आप दोनों राजी हैं, एग्री हैं, और उस दौरान आप किसी चीज़ सामने चीज़ें हो रही हैं तो फिर वो देखिए क्या कह सकते हैं, जो आपने किया वो हो सकता है कि आपकी भूल हो, आपकी गलती हो, लेकिन ऐसी गलती आप और भी जो व्यक्ति जो मुझे देख रहे हैं वो आप ना करें। क्योंकि आज के समय में कौन व्यक्ति कहाँ पर रंग बदल दे, कौन व्यक्ति कहाँ पर किस चीज़ का आपसे आपके बाद जो आपने किया है वो उस चीज़ को बाद में उठा ले, तो पता नहीं है। तो बेहतर है कि ऐसी सब चीज़ें आप शादी के बाद ही करें। एक दूसरे के जब अफेयर में हैं आप बात करते हैं तो बेहतर है कि आप शादी में तब्दील करें उसको और शादी करें। शादी करने के बाद फिर आपके जो इच्छा करें आप वो करें। तो इस चीज़ का फिर आप शिकार नहीं हो पाएंगे किसी प्रकार से भी, क्योंकि आपके वो हस्बैंड हैं और आप वाइफ हैं, पत्नी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से भी। लेकिन उससे पहले अगर होता है तो फिर देखिए क्या किस कैटेगरी में आता है वो आप सब जानते हैं, मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहूँगा, किसी के पर्सनल टिप्पणी मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतना ही आपसे बस जो आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो इतना ही है कि ऐसी चीज़ें अगर आप एक दूसरे के किसी के रिलेशनशिप में हैं और ऐसे मोमेंट ऐसे समय पर आप आते हैं तो ऐसी गलती आप ना करें कि आप किसी के साथ फिजिकल हों या फिर किसी के साथ वीडियो बनाएं। वो उस समय पर आपको अच्छा लगता है लेकिन बाद में ये सरदर्द बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ आपको शर्मिंदगी होती है, क्योंकि आपके सामने चीज़ें आती हैं तो आपको भी लगता है कि गलत किया मैंने। लेकिन उसके साथ साथ में आपके पेरेंट्स हैं, आपके परिजन हैं और सोसाइटी है, वो सब चीज़ आपसे मतलब कि कहने जाता, आप समझ रहे हैं कि बाद में उन सब चीज़ों से ह्यूमिलेट होता है। तो बेहतर है अब मेरा मत बस यही है कि आप इन सब चीज़ों से पहले ही जागरूक रहें, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं। ये एक घटना है, एक घटने से ही घटना से ही आदमी सीखता है। तो आप सीखें इन चीज़ों को और समझें, और कहीं ना कहीं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों को भी पहुंच सके। तो मेरे पास जो भी जानकारी आएगी मैं आपको पहुंचा देता हूं, और जब भी आप मुझे फ़ोन करते पूछते हैं तो बेहतर मैं आप किसी की देखी जानकारी नहीं लेना, ये भी जानकारी है तो मैंने सिर्फ एक बताया नेपाल, तो नेपाल बहुत बड़ा प्लेस है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी किसी की जानकारी मेरे पास आती है तो मैं हमेशा सीक्रेट रखता हूं, किसी की जानकारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जांपल देख के तौर पर आपको एक सीख देता हूं, आपको एक जानकारी देता हूं जिससे कि आप सिर्फ जागरूक हो सकें, बस और कुछ नहीं। तो बेहतर है कि आप सब लोग इस चीज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं, और जानकारी जितना स्प्रेड करेंगे आप उतना ही बेहतर है। आप अपने परिवार में, दोस्तों में हो सकता है तो मेरी वीडियो भी शेयर कर दें ताकि वो लोग देख सकें पूरा इस तरीके से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और बाकी आप सब बने रहिए हमारे चैनल पर, और आपका प्यार हमें मिल रहा है लगातार और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार मिलता रहेगा। तो बस इतना ही है, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।